दोस्तों बहुत से ऐसे वर्डप्रेस यूज़र नए होते हैं जिन्हें बिटगेट की नॉलेज नहीं होती। आज उन यूज़र को बताएंगे कैसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग के अंदर बिटगेट ऐड करते हैं, बिटगेट की जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सर्च को हमें टॉप पे रखना है तो वो कैसे रखेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर बिटगेट को रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिटगेट के बारे में बात करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर बिटगेट की लोकेशन चेंज करना, बिटगेट एडिट डिलीट करना, तो कैसे करते हैं उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम बिटगेट फंक्शन को ओपन करेंगे। तो हम जाएंगे अपेरेंस में, यहाँ पर बिटगेट, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये बिटगेट हैं आपके वेबसाइट ब्लॉक के जितने भी होंगे हम शो हो जाएंगे, ठीक है, ये बिटगेट की लोकेशन है। ठीक, अब दोस्तों आपको बिटगेट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे सबसे पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर टॉप पे बिटगेट चाहिए तो मुझे कैसे यहाँ पर ऐड करना है टॉप पे बिटगेट। ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पर एक बिटगेट ले लेते, पहले यहीं ले लेते हैं। अब आपको कौन सा बिटगेट चाहिए तो उसके लिए ब्राउज़र ऑल पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर लिस्ट आएगी आपको बिटगेट किस प्रकार का चाहिए। ठीक है, हेडिंग है, लिस्ट है, क्वोट है, कोड है, टेबल है, है ना, काफ़ी सारे बिटगेट हैं, आपको कौन सा बिटगेट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों बिटगेट ले लेता हूँ, चलिए एक ले लेता हूँ यहाँ पर बिटगेट कैलेंडर का, इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए कैलेंडर का बिटगेट आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें वेबसाइट ब्लॉग में ऐड करने के लिए अपडेट करना होगा, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अपडेट कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर का बिटगेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बिटगेट हमने इंसर्ट कराना सीख लिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर लोकेशन चेंज करनी है बिटगेट की, जैसे हम चाह रहे हैं ये सर्च बार है ये टॉप पे आए ट्रेंडिंग सर्च के। ठीक है, यहाँ पर, और ये कैलेंडर है, कैलेंडर यहाँ पर आए यहाँ पर इसके ऊपर रिसेंट पोस्ट के ऊपर। दोनों कैसे चेंज करेंगे उसके लिए दोस्तों फिर से हम बिटगेट में जाते हैं और यहाँ पर सर्च बार, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एरो बने आ गए, डाउन है ये अप है। ठीक है, मूव डाउन मूव अप। ठीक है, तो ऊपर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर हो जाएगा। ठीक है, हमें रिसेंट पोस्ट के ऊपर कैलेंडर चाहिए तो कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और ऊपर कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम रिसेंट पोस्ट को नीचे लेके आना चाहते हैं पेजेस के, तो रिसेंट पोस्ट पर क्लिक करेंगे नीचे लेके आ जाएंगे। तो हमने तीन लोकेशन चेंज कर ली, चलिए अपडेट कर देते, देखते हैं अप्लाई हुआ कि नहीं। अपडेट करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कैलेंडर ऊपर आ गए एंड यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्कल नीचे आ गया एंड यहाँ पर पेजेस ऊपर आ गए एंड रिसेंट पोस्ट नीचे आ गई, है ना। तो ये हमने बिटगेट की लोकेशन एक तरह से चेंज कर दी। अब दोस्तों बात आती है बिटगेट हमको रिमूव करना है वेबसाइट ब्लॉक के अंदर तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों फिर से हम बिटगेट के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है रिमूव ब्लॉक, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बिटगेट रिमूव होते जाएंगे, है ना। एंड यहाँ पर हम अपडेट कर देते इसको एंड यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर का बिटगेट नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम बिटगेट ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं और बिटगेट की लोकेशन चेंज करते हैं अपने वेबसाइट ब्लॉग के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।